Hello everyone, in the series of Transfer of Property Act, now we are going to discuss the section 126. In our previous video, we have discussed the section 122 to 125. Now we are going to with section 126. Section 126 deals with when gift may be suspended or revoked. कब जो गिफ्ट है वो सस्पेंड हो सकती है फिर रिवोक हो सकती है. सस्पेंडेड और रिवोक जो दो वर्ड हैं इनका मतलब होता है कि जो ओवरऑल ट्रांसफ़र हुआ है गिफ्ट का वो सीज हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ सस्पेंडेड और रिवोक्ड. अब हम बात करते हैं इसके प्रोविज़न की, तो मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस सेक्शन का. इस सेक्शन में बात करी है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी और फिर उसमें जो प्रॉपर्टी में आप जब गिफ्ट दे रहे हैं उस प्रॉपर्टी का, और उस गिफ्ट में जब ट्रांसफ़र करते टाइम आप एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ऐसा इवेंट हो जाता है, कोई ऐसा स्पेसिफाइड इवेंट है, अगर वो हो जाएगा तो जो गिफ्ट दिया जा रहा है वो कैंसिल माना जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा. तो अगर सपोज एग्जांपल लेके चलेंगे, ए अपनी प्रॉपर्टी है वो बी को गिफ्ट करता है, और बी को जब उसने गिफ्ट करी है प्रॉपर्टी और उसमें कंडीशन लगा दी कि अगर 4 दिन बाद, या फिर 4 दिन का एग्जाम्पल ला लेते हो, अगर भारत क्रिकेट का मैच जीत जाती है जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2019 में, अगर भारत वो मैच जीत जाती है तो ये जो मैं गिफ्ट आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ये वापस आप मेरे को ट्रांसफ़र कर दोगे. अगर कोई ऐसी कंडीशन लगा देता है ट्रांसफ़रर, डोनर जो है यहाँ पे, क्योंकि डोनर ही कंडीशन लगा सकता है क्योंकि डोनर ट्रांसफ़रर है यहाँ पे, तो डोनर जब कंडीशन लगा रहा है ऐसी कि जिसके होने पे प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है वो रिवर्ट बैक हो जाएगा, तो ऐसा जो ऐसी जो कंडीशन लगाई है वो वैलिड होगी. लेकिन यहाँ पे जो बात आ रही है कंडीशन की, वो कंडीशन जो होनी चाहिए वो डोनर के विल पे नहीं होनी चाहिए. डोनर के विल पे नहीं होने से मतलब ये है कि वो कंडीशन जो लगा रहा है डोनर लगा रहा है, लेकिन वो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि डोनर उसमें कुछ एक्ट करे और वो कंडीशन ब्रीच हो जाए. जैसे अगर सपोज डोनर ऐसी कंडीशन लगा दे कि अगर कल मैं कॉलेज गया तो ये जो मैं गिफ्ट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये डोनर अगर खुद के ऊपर बता रहा है कि खुद अगर वो कॉलेज जाता है तो अगर कंडीशन वॉयलेट हो जाएगी, तो यहाँ पे ये जो कंडीशन बनाई जा रही है डोनर के द्वारा, ये कंडीशन ऐसी है जो उसके बिल पे बन रही है, तो ये जो कंडीशन है ये वॉइड है. अब हम सेक्शन की बात करते हैं. सेक्शन बात करता है द डोनर एंड डोनी मे एग्री दैट ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफाइड इवेंट विच डज नॉट डिपेंड ऑन द विल ऑफ द डोनर. जो मैंने आपकी अब कॉलेज वाला एग्जाम्पल दिया कि अगर कॉलेज जाऊँगा तो डीड जो है खत कैंसिल मानी जाएगी, रिवोक मानी जाएगी, सस्पेंड मानी जाएगी, तो यहाँ पे ये विल है डोनर की, तो डोनर के विल वाली कोई भी ऐसी कंडीशन है वो नहीं मानी जाएगी. डज नॉट डिपेंड, तो उस पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, वो किसी और चीज़ पे डिपेंड होनी चाहिए. अब क्रिकेट का जो मैच है वो डोनर की विल पे डिपेंड नहीं है, ये इंडिया की कैपेसिटी है कि अगर इंडिया जीत सकती है कि नहीं जीत सकती, तो ये जो कंडीशन है ये सही लगी है. अ गिफ्ट शैल बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड, तो हैपनिंग ऑफ एन स्पेसिफाइड इवेंट विच डज नॉट डिपेंड ऑन द विल ऑफ डोनर, अ गिफ्ट शैल बी सस्पेंडेड एंड रिवोक्ड. तो जो डोनर है उसकी विल पे ये कंडीशन नहीं है, जो कंडीशन है वो डोनर की विल पे नहीं है, ये कंडीशन अपने आप होने में है, या तो होगी या फिर नहीं होगी, और अगर वो हो जाएगी तो जो गिफ्ट ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो रिवोक हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा. बट अ गिफ्ट विच द पार्टीज एग्रीज शैल बी रिवोकेबल होली और इन पार्ट एज मेयर बिल ऑफ द डोनर इज वॉइड होली और इन पार्ट एज द केस में भी. तो हाँ, ये वही आगे वाली जो सेंटेंस है वो यही बात कर रहा है कि पहले तो इसने बता दिया कि डोनर के विल पे नहीं होना चाहिए कोई भी, फिर इसमें आगे बता दिया है कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी डोनर के विल पे होती है कि कोई भी ऐसी कंडीशन लगा रहा है डोनर, और जो डोनर के विल पे उसका होना और नहीं होना डिपेंड है, तो वो कंडीशन वॉइड मानी जाएगी. वही जो ऊपर लाइन है ये, इसी लाइन को इन्होंने आगे एक्सप्रेस कर दिया फर्दर. फिर आगे बात कर रही है, ए गिफ्ट मे आल्सो बी रिवोक्ड इन एनी ऑफ द केसेस से वॉन्ट और फेलियर ऑफ कंसिडरेशन इन विच इफ इट वर अ कॉन्ट्रैक्ट इट माइट बी रिस्काइंड. तो ये बात कर रहा है कि अगर कोई ट्रांसफ़र, जब ट्रांसफ़र ही कर रहा है, जब डोनर कोई गिफ्ट ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो रिवोक कब मान लिया जाएगा, जब फेलियर ऑफ कंसिडरेशन इन विच इट वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर वो ऐसा होता कि कॉन्ट्रैक्ट होता, तो कॉन्ट्रैक्ट जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जब ख़त्म कब होता है, वो रिवोक कब होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो रिवोक जब होता है जब जो कंसेंट होती है पर्सन की, तो यहाँ पे जो डोनर है अगर उसकी कंसेंट, जो कि सेक्शन 19 यहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्शन 19 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो अगर सेक्शन 19 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है वो ये बात करता है कि अगर कोई भी कंसेंट, जो आपने फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, इन सब के अंडर में जो 5 चीज़ बता रखी है, अगर उनमें से कोई भी एक ग्राउंड बन रहा है और उस पर आपने कंसेंट लेके गिफ्ट ट्रांसफ़र करी है,
तो वो जो है वो रेस्कैंड हो जाएगा। रेस्कैंड का मतलब हो जाएगा कि वो रद्द माना जाएगा उस टाइम पीरियड तक, लेकिन ये डोनर की कैपेसिटी के ऊपर है, डोनर की विल के ऊपर है कि वो उसको कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अगर डोनर चाहता है कि जो उसने ट्रांसफ़र किया है, जो गिफ्ट ट्रांसफ़र किया है, जो पहले उसकी बिना कंसेंट के हुआ था, लेकिन अब वो कंसेंट के साथ उस गिफ्ट को देना चाह रहा है, तो वो यहाँ पे उस गिफ्ट को वैलिड मान सकता है और वैलिड प्रूव कर सकता है। अगर वो चाहता है कि ये जो गिफ्ट ट्रांसफ़र हुआ था ये मेरी कंसेंट से पहले नहीं हुआ था और मुझे ये गिफ्ट वापस चाहिए जो मेरे फेवर का है, तो वो उसके पास ये ऑप्शन है, वो वापस जो गिफ्ट डीड बनी है उसको रिजेक्ट कर सकता है और वो जो गिफ्ट ट्रांसफ़र हुआ है वो रिवोक माना जाएगा। तो ओवरऑल 126 में दो कंडीशन दी रखी है सस्पेंड और रिवोक की, कि या तो कोई ऐसा इवेंट जिसके होने पे, लेकिन वो जो इवेंट है वो जो डोनर है उसकी विल पे नहीं होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन बात करिए कि अगर कोई गिफ्ट ट्रांसफ़र हुआ है लेकिन उसमें जो कंसेंट है वो उसकी जो डोनर है उसकी कंसेंट है, वो यहाँ पे एक्सप्रेस कंसेंट है, इम्प्लाइड कंसेंट है, कैसी भी कंसेंट है, लेकिन वो एक्चुअल कंसेंट नहीं है, वो फ्री कंसेंट नहीं है, वो कंसेंट ऐसी है वो फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, इन सारी चीज़ों से लेके गई हुई है। तो वो जो डोनर है उसके पास यहाँ पे राइट है कि उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको वो वैलिड करना चाहता है या वॉइड करना चाहता है। ये वॉइडेबल एक तरह से डील हुई, जो वॉइडेबल डीड बनेगी। फिर आगे बात करिए, सेव एज अफोरसाइड अ गिफ्ट कैन नॉट बी रिवोक। तो इन दोनों कारणों के अलावा और कोई सा भी कारण नहीं है जिसमें गिफ्ट रिवोक हो सकती है। फिर बात आए, नथिंग कंटेंड इन दिस सेक्शन शेल बी डीम टू अफेक्ट एनी राइट ऑफ ट्रांसफरीज फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस। ये जो लाइन है ये बात करती है कि सपोज मान लीजिए ए पर्सन ने गिफ्ट मिली, ए पर्सन है, ए पर्सन ने गिफ्ट दी बी को, ये बी पर्सन है, ए पर्सन ने बी पर्सन को गिफ्ट दी है। अब ए पर्सन ने जब बी को गिफ्ट दी है तो बी पर्सन ने क्या किया है, बी पर्सन ने अपनी ये जो प्रॉपर्टी है ये आगे ट्रांसफ़र कर दी किसी और थर्ड पर्सन को, और जो थर्ड पर्सन थे उनको ये नहीं पता था कि ए ने, ये जो ए पर्सन है इन्होंने कुछ कंडीशन लगा रखी है कि अगर इंडिया क्रिकेट मैच जीत जाएगी तो प्रॉपर्टी वापस ए को मिल जाएगी, लेकिन ये इन्होंने जब सी को ट्रांसफ़र करी तो ना तो इन्होंने सी को ऐसी कोई कंडीशन बताई, ना सी की नॉलेज में कोई ऐसी कंडीशन आई कि भाई ऐसी कोई कंडीशन है कि अगर ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो गिफ्ट है जो मुझे, मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जो मुझे ये पर्सन बी जो है मुझे ट्रांसफ़र कर रहा है, जो सी पर्सन को कर रहा है, सी को ये कंसिड ये नॉलेज में नहीं होना चाहिए कि इस पे ये ऐसी कोई कंसिड कंडीशन है जिससे अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो ये गिफ्ट वापस उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बी पर्सन है जब वो ट्रांसफ़र कर रहा है तो सी की अगर नॉलेज में ये चीज़ नहीं आती है कि वो जो राइट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जो सी पर्सन है उसको नॉलेज में नहीं है और उसने कंसिड्रेशन मतलब उसका पेमेंट भी किया है उस गिफ्ट का, वो जो गिफ्ट उसको मिलने वाली थी उसको गिफ्ट का पेमेंट भी किया है और उसको ये नोटिस भी नहीं है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ये उसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगी जिसने इसको गिफ्ट करा था। तो यहाँ पे ये जो सस्पेंड और रिवोक वाला प्रोविज़न है ये नहीं लगेगा। फिर आगे अगर हम बात करें सेक्शन 127 की, तो सेक्शन 127 बात करता है ओनरस गिफ्ट। ओनरस गिफ्ट का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा गिफ्ट जिसपे दो प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र होती है या दो से ज़्यादा प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र होती है, और उन दो या दो से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का ट्रांसफ़र होते टाइम क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी पे तो वर्डन होता है, एक प्रॉपर्टी पे ऑब्लिगेशन होता है या लाइबिलिटी होती है, और दूसरी प्रॉपर्टी प्रॉफिट में होती है, कुछ इनकम वाली होती है, कुछ सोर्स मिल सकता है उससे। तो यहाँ पे जो डोनी है, जो रिसीवर है, उसके पास राइट है कि वो दोनों को एक्सेप्ट करे या फिर दोनों को रिजेक्ट करे। वो ऐसा नहीं कर सकता कि एक को तो रिजेक्ट कर दे और एक को एक्सेप्ट कर ले। अब सेक्शन पढ़ ले हैं एक बार। वेयर अ गिफ्ट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल ट्रांसफ़र, जब कोई गिफ्ट होती है वो एक सिंगल ट्रांसफ़र में होती है, टू द सेम पर्सन ऑफ सेवरल थिंग्स ऑफ विच वन इज एंड द अदर आर नॉट बर्डन्ड बाय एन ऑब्लिगेशन, द डोनर कैन टेक नथिंग बाय द गिफ्ट अनलेस ही एक्सेप्ट इट फुली। तो इसमें बात करी है कि जो डोनर है उसको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, तो एक जो वो तीन चार प्रॉपर्टी है या फिर दो प्रॉपर्टी है उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी पे दो बर्डन है, ऑब्लिगेशन है मतलब एक लाइबिलिटी है जो पे करनी है,
और अदर्स पे नहीं है, तो जो डोनी है, जो रिसीवर है, उसके पास ये राइट है कि वो गिफ्ट को या तो पूरा एक्सेप्ट करे या फिर कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करे। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट जिस प्रॉपर्टी में से होगा उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लो और जिस प्रॉपर्टी में से लॉस हो रहा है उस प्रॉपर्टी को छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। उसको दोनों प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जिस पे लायबिलिटी भी है और जिस पे प्रॉफिट भी है। तो लायबिलिटी वाली को पहले चुकाना भी पड़ेगा और प्रॉफिट वाली से प्रॉफिट मिल भी सकता है, या फिर ये है कि ना तो लायबिलिटी वाली लो ना प्रॉफिट वाली लो, कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर इसमें बात करिए, वेयर अ गिफ्ट इज इन द फॉर्म ऑफ टू और मोर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ट्रांसफर्स। अब यहाँ पे जो गिफ्ट है वो दो या दो से अधिक सेपरेट और इंडिपेंडेंट ट्रांसफर है। अब दो या दो से ज्यादा अधिक गिफ्ट मान लो, लेकिन उनका जो ट्रांसफर हो रहा है वो सेपरेट हो रहा है। ऊपर जो ट्रांसफर हो रहा था वो सिंगल ट्रांसफर था, मतलब एक ही ट्रांसफर डीड के अंदर ये लिखा हुआ था कि एक पर्सन की दो प्रॉपर्टी है एक्स और वाई। एक्स पे तो लाइबिलिटी है, वाई पे प्रॉफिट है, और जो ए पर्सन है वो बी को ये ट्रांसफर कर रहा है एक्स और वाई प्रॉपर्टी। तो बी के पास सिर्फ यही राइट है, या तो वो दोनों एक्सेप्ट करे एक्स और वाई, एक्स जिसमें लाइबिलिटी और वाई जिसमें प्रॉफिट है, या फिर दोनों रिजेक्ट करे। लेकिन फिर नीचे बात कर रहा है कि अगर यहाँ पे दो या दो से अधिक प्रॉपर्टी का सेपरेट इंडिपेंडेंट ट्रांसफर हो रहा है, कि एक्स का अलग ट्रांसफर वाई का अलग ट्रांसफर, तो क्या होगा? डोनी इज एट लिबर्टी टू असेट वन ऑफ देम एंड रिफ्यूज टू अदर। तो डोनी जो रिसीवर है यहाँ पे प्रॉपर्टी का, उसके पास ये राइट है कि वो कोई एक तो एक्सेप्ट करे और कोई एक को रिजेक्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट ट्रांसफर है। तो जिसपे लाइबिलिटी है डोनी उसको एक्सेप्ट नहीं करे, और जिसपे लाइबिलिटी नहीं है डोनी उसको एक्सेप्ट कर ले जिसपे उसको प्रॉफिट मिलेगा। ऑल्दो द फॉर्मर मे बी बेनिफिशियल एंड द लेटर ओनरस। तो यहाँ पे बात करें कि पहले वाली जो है वो बेनिफिट के लिए, दूसरी में ओनेरस है। तो ओनेरस गिफ्ट एक तरह का ऐसा गिफ्ट है जहाँ पे कोई एक पर्सन को लायबिलिटी होती है कुछ ही प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते टाइम, कुछ तो लायबिलिटी और कुछ प्रॉफिट है जब दो या दो से ज्यादा प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी और वो सिंगल ट्रांसफर में होगी। फिर उसमें बात करिए, ओनेरस गिफ्ट टू डिसक्वालिफाइड पर्सन। ए डोनी डज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी बर्डन बाय एनी ऑब्लिगेशन इज नॉट बाउंड बाय हिज एक्सेप्टेंस, बट If after becoming competent to contract and being aware of the obligation, he retain the property given, he becomes so bound. तो यहाँ पे disqualified person से लिए बात करिए कि कोई person जो minor होता है, अगर उसके favor में आपने कोई gift transfer कर दी, तो onerous gift क्या होता है कि जिसमें liability और profit दोनों होता है, दो अलग अलग property पे और single transfer हो रहा है। तो जब आपने कोई minor की favor में ये property transfer करी है, तो क्योंकि minor को भी पहले तो ये right होगा, minor का जो guardian होगा पहले तो वो उस property को accept करेगा। अब माइनर के जो गार्जियन है उसने एक्सेप्ट कर ली उस प्रॉपर्टी को, तो फिर माइनर जिस दिन मेजर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है बट इफ आफ्टर बिकमिंग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो जिस दिन मेजर हो जाएगा, जिस दिन 18 साल से ऊपर की उम्र हो जाएगी, तो माइनर के पास ये राइट है या तो वो उस प्रॉपर्टी को रिटेन करे या प्रॉपर्टी का रिजेक्ट कर दे। अगर उसने प्रॉपर्टी रिटेन कर ली तो उसको बाउंड हो जाएगा जिस प्रॉपर्टी पे लायबिलिटी है, वो जो माइनर है उसको, जो माइनर अब मेजर हो चुका है उसको पेमेंट करना पड़ेगा उस लायबिलिटी का। लेकिन अगर वो रिजेक्ट कर देता है उस ट्रांसफर को, तो वो यहाँ पे सेफ हो जाएगा, उसको कोई ना तो प्रॉफिट मिलेगा ना लॉस मिलेगा। तो ओवरऑल ओनेरस गिफ्ट एक ऐसा गिफ्ट है जिसमें एक साइड तो ट्रांसफर है, एक साइड तो प्रॉफिट है और एक साइड लॉस है, मतलब एक साइड लायबिलिटी है, एक साइड आपका प्रॉफिट मिलने वाला है, और आपको दोनों एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जब सिंगल ट्रांसफर की बात है। लेकिन अगर वो ट्रांसफर दोनों सेपरेट होते हैं, दोनों सेपरेट डीड बन रही है, तो आपको जो एक्सेप्ट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप लायबिलिटी वाला एक्सेप्ट करना चाहें लायबिलिटी वाला कर सकते हैं, आप प्रॉफिट वाला एक्सेप्ट करना चाहें प्रॉफिट वाला एक्सेप्ट कर सकते हैं। दैट इज सेक्शन 127। इसके इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन में है ए शेयर इन एक्स, ए के शेयर हैं एक्स के अंदर, अ प्रॉस्पेरियस जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उसमें शेयर्स हैं, एंड आल्सो शेयर्स इन वाई। ए जो एक पर्सन है उसके एक्स कंपनी और जो वाई कंपनी है, इन दोनों में शेयर हैं उसके। हैवी कॉल्स आर एक्सपेक्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ वाई शेयर्स, तो जो वाई शेयर्स हैं, जो वाई जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर्स हैं, उसमें उसके हैवी कॉल्स हैं। हैवी कॉल्स का मतलब होता है कॉल्स, कॉल्स का मतलब होता है कि कुछ अमाउंट आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट एक टाइम पीरियड के बाद पेमेंट करना पड़ता होता है शेयर्स के लिए। तो ए गिव्स वी ऑल हिज शेयर्स इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, वी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द शेयर इन वाई, ही कैन नॉट टेक द शेयर इन एक्स। तो अब जो ए पर्सन है उसने एक्स प्रॉपर्टी और बाई प्रॉपर्टी, मतलब एक्स कंपनी और बाई कंपनी के जो दोनों शेयर्स हैं, वो सिंगल ट्रांसफर से बी को ट्रांसफर करे, और यहाँ पे बी ने रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से। तो बी अब जब रिफ्यूज किया है बाई के शेयर को, तो बी ये नहीं कह सकता कि मैंने तो सिर्फ बाई को रिफ्यूज किया है, एक्स मुझे दे दो, ऐसा नहीं होगा। बी को बाई अगर रिफ्यूज कर रहा है तो एक्स भी रिफ्यूज माना जाएगा, क्योंकि दोनों का सिंगल ट्रांसफर है। लेकिन अगर ऐसा होता कि एक्स प्रॉपर्टी के शेयर और बाई प्रॉपर्टी के शेयर, एक्स प्रॉपर्टी के शेयर पे तो प्रॉफिट है, बाई प्रॉपर्टी पे लॉस है,
जैसा यहाँ पे एक्सपेक्टेड कॉल दिखा रहा है, हैवी एक्सपेक्टेड कॉल है, तो बाई पे लॉस है, एक्स पे प्रॉफिट है, लेकिन जो ए पर्सन है उसने एक्स का अलग ट्रांसफर करा है और वाई का अलग ट्रांसफर करा है, तो ये बी के ऊपर है कौन सा उसको एक्सेप्ट करना है। अगर वो बाई एक्सेप्ट करेगा तो उसको लाइबिलिटी जो कॉल्स हैं वो पेमेंट करने पड़ेंगे, एक्स का एक्सेप्ट करेगा तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए हैविंग अ लीज फॉर अ टर्म ऑफ अ ईयर्स ऑफ हाउस एट अ रेंट विच ही एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव आर बाउंड टू पे ड्यूरिंग द टर्म। एक पर्सन है, उसके पास लीज है किसी हाउस की, उसने लीज ले रखी है और वो जो रेंट मिलता है उस हाउस से, वो जो हाउस को रेंट देना है उस हाउस के लिए, वो या तो ए पेमेंट करे या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पेमेंट करे। एंड विच इज मोर देन द हाउस कैन बी लेट फॉर, और उससे ज्यादा का भी लेट कर सकते हैं। गिव टू बी, अब वो जो हाउस था जो लीज पे था वो उसने ए ने बी को ट्रांसफर कर दिया कि बी आप ट्रांसफर करो। एंड ऑल्सो अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन अ सम ऑफ मनी, और एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन भी कर दी उसके साथ कि ये लो अलग से इतने रुपए का मैं आपको अलग से ट्रांजेक्शन का अमाउंट दे रहा हूँ, ये रख लो। तो यहाँ पे जो सेपरेट ट्रांजेक्शन हो रही है मनी की, तो बी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द लीज, ही डज नॉट बी रिफ्यूजल बाय फॉरफिट द मनी। तो बी ने अगर लीज के लिए मना कर दिया, क्योंकि लीज का एक सिंगल ट्रांसफर था यहाँ पे और जो दूसरा ट्रांसफर वो सेपरेट ट्रांसफर ट्रांजेक्शन का था, तो अगर वो लीज के लिए मना कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो ट्रांजेक्शन मिल रहा है उसको, जो मनी का मिल रहा है वो उसको, वो उससे डिनाई हो जाएगा, वो उससे फॉरफिट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। वो खत्म नहीं होगा, उसका जो प्रॉफिट मिल रहा है उस जगह से, उस मनी से, वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है। अगर वो एक सिंगल ट्रांजेक्शन होता कि लीज के साथ आप लीज भी ले लो इस हाउस की और मैं आपको ये ट्रांजेक्शन भी दे रहा हूँ, वो अगर एक सिंगल ट्रांजेक्शन में होता और अगर वो रिफ्यूज़ कर देता तो वो दोनों रिफ्यूज़ माना जाता। लेकिन अगर यहाँ पे सेपरेट और इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है तो सिर्फ एक ही रिफ्यूज़ माना जाएगा, जिसको वो रिफ्यूज़ कर रहा है, जिसको वो नहीं कर रहा है वो रिफ्यूज़ नहीं माना जाएगा। फिर सेक्शन है 128। सेक्शन 128 बात करता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 127। तो 127 में हमने ओनरस गिफ्ट की बात करी थी अभी, तो ये 128 यूनिवर्सल डोनी की बात करता है। वेयर अ गिफ्ट कंसिस्ट ऑफ द डोनर्स होल प्रॉपर्टी, जब यहाँ पे गिफ्ट जो है वो डोनर की होल प्रॉपर्टी, डोनर का मतलब ट्रांसफरर, ट्रांसफरर की पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, पूरी प्रॉपर्टी का गिफ्ट दिया जा रहा है। द डोनी इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द डेब्ट्स ड्यू बाय एंड लाइबिलिटीज ऑफ द डोनर एट द टाइम ऑफ द गिफ्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी कंप्राइज्ड देयर इन। तो जो डोनी है, डोनी मतलब जो रिसीवर है, जिसको प्रॉपर्टी मिलने वाली है, वो क्या करेगा, वो लाइबल होगा वो सारे डेब्ट या लाइबिलिटीज के जो डोनर को है एट द टाइम ऑफ गिफ्ट। अगर डोनर का कोई लाइबिलिटी है किसी प्रॉपर्टी पे और अगर उसने गिफ्ट कर दी है, तो यहाँ पे अगर डोनी एक्सेप्ट करता है तो डोनी को क्या करना पड़ेगा, वो जो लाइबिलिटी है और जो डेब्ट जो रह रहे हैं एक जो पर्सन है उसके पेमेंट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए अपनी सारी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करता है और फिर ए जब प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर रहा है तो यहाँ पे अगर बी एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी मतलब एवरीथिंग, ओनरस प्रॉपर्टी का मतलब यही वही बात है, क्योंकि सेक्शन 127 को ध्यान में रखते हुए तो मतलब कुछ प्रॉपर्टीज पे लाइबिलिटीज भी है, तो अगर वो सारी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर रहा है तो जिन प्रॉपर्टी पे लाइबिलिटीज है बी को उन लाइबिलिटीज वाली प्रॉपर्टी को भी पेमेंट करना पड़ेगा। ये बी की लाइबिलिटी है, बी को पे करना पड़ेगा अगर बी एक्सेप्ट कर देता है। इसीलिए सेक्शन जो 122 है जहाँ गिफ्ट डिफाइन है, वहाँ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ डोनी द गिफ्ट इज कम्प्लीट, कि जब डोनी एक्सेप्ट कर लेगा आपके गिफ्ट को तभी गिफ्ट कम्प्लीट माना जाएगा, नहीं तो फिर ये है कि आप गिफ्ट बना के देते जाओगे और अगर उसको एक्सेप्टेंस का राइट नहीं होगा तो आप तो लाइबिलिटी वाली चीज़ भी उसको प्रोवाइड कर दोगे, फिर उसके लाइबिलिटी का पेमेंट बी को करना पड़ेगा। सेक्शन 129 बात करता है सेविंग ऑफ डोनेशंस मॉर्टिस कॉजा एंड मोहम्मदन लॉ। ये सेक्शन बात कर रहा है एक तरह से सेविंग क्लॉज की तरह। सेविंग क्लॉज का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर रूल दिया होता है ये उसको नहीं मानता है। तो यहाँ पे बात बता रखी है कि जो सेक्शन 129 है ये मुस्लिम लॉ पे नहीं लगता है, और इसमें बता रखी है कि जो मुस्लिम गिफ्ट को हीबा बोलते हैं तो जो हीबा के प्रोविजंस हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो होता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो बात करी है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। जब एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को ट्रांसफ़र करता है तो वहाँ पे ऐसा कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। फिर इसमें एक वर्ड आया है मॉर्टस कॉजा। मॉर्टस कॉजा का मतलब होता है मुर्ज अल मौत। मुर्ज अल मौत का इंग्लिश में अगर मतलब देखें, डेथ बेड गिफ्ट, मतलब जब कोई पर्सन अपनी डेथ बेड पे होता है कि उसको लगता है कि मेरा मरना निश्चित है, मेरी मौत होने वाली है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, वो अपनी विल से अगर किसी को ट्रांसफ़र कर रहा है
तो वहाँ पे ये प्रोविजन नहीं लगेंगे, वहाँ पे ये सेक्शन जो गिफ्ट के हैं वो नहीं लगेंगे. दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शंस ऑफ गिफ्ट. होप यू लाइक दिस वीडियो. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द गिफ्ट. फर्स्ट पार्ट इज ऑलरेडी देयर. सो थैंक यू वेरी मच.